नमस्कार मैं आपके साथ मनीषा और आप देख रहे हैं द न्यूज जम्मू कश्मीर के पूंछ में आतंकी हमले में शहीद हुए जवान का शव आज गांव पहुंचा। तो हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई जिन्होंने शहीद को अंतिम विदाई दी अंतिम यात्रा में उमड़े जन सैलाब ने करण यादव अमर रहे भारत माता की जय के नारे लगाए सौ तो गाँव इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे करण यादव अमर रहे के नारे लग रहे थे शहीद के अंतिम दर्शन की व्यवस्था पहले से ही कर ली गई थी लोगों ने शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किया जिनका अंतिम संस्कार गंगा नदी के किनारे किया जाएगा घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है वहीं गांव वाले करण याद यादव के बहादुरी के किस्से भी सुन रहे हैं बता दी कि जम्मू कश्मीर के पक्ष में आतंकी हमले में चार जवान शहीद हो गए थे जिनके शवों को उनके गांव भेजा गया इसी क्रम में कानपुर के चौबेपुर थाना अंतर्गत भावपुर के रहने वाले शहीद करण यादव का शव चकेरी हवाई अड्डे पर पहुंचा, जहां से सड़क मार्ग से भारी सुरक्षा व्यवस्था और काफिले के साथ उनके पैतृक गांव पहुंचा अंतिम सलामी के लिए सेना के जवान भी आए थे शहीद का सौ गांव पहुँचते ही आसमान अमर रहे नारों से गूंज उठा हजारों की संख्या में लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे पार्थिव शरीर के पहुँचने पर घर वालों में कोहरम मच गया पिता बालक राम यादव अर्जुन यादव सहित अन्य लोगों का रो रो कर बुरा हाल था करण यादव की बहन भी काफी परेशान थी जो बार बार यही कह रही थी कि ऐसा लगता है जैसे भाई अभी उनसे उठकर बातचीत करेगा चारों तरफ शहीद करण अमर रहे भारत माता की जय बंदे मातरम के नारे लग रहे थे पार्थिव शरीर पर फूलों की बारिश हो रही थी जिनका अंतिम संस्कार बिठूर में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा इसके पहले चकेरी हवाई अड्डे पर एमएसएमआई मिनिस्टर राकेश सचान प्रथभा शुक्ला सहित अन्य लोगों ने शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया